Hello and welcome to the online classes for grade 7. So, now we are going to continue with our topic of adverbs. We have seen that what adverbs are and the kinds of adverbs. Now, we will understand how to form adverbs. So, our subtopic is formation of adverbs. Let us see how we can form an adverb. Now, one of the most common ways of forming adverbs is to add ly to an adjective. Okay? And adverbs are thus formed such as usually uh, those of the manners. So soft, softly, brave, bravely, hard, hardly, loud, loudly, smart, smartly. So you see we have added ly to an object, uh, adjective. For example, Ajit is a brave man. He fought bravely. So, you see, we have the word adjective as brave. We have now added ly to make it an adverb. The rock is hard. So, hard is an adjective, and we have added ly to make it an adverb. Now, the second one. When an adjective ends in y with a consonant before it, the y changes to i, and ly is added. इसका मतलब ये है कि जब हमारा कोई एडजेक्टिव जो होता है वो वाई में एंड होता है जैसे कि इजी ठीक है तो अगर वाई से पहले एस जो कि एक कंजनेंट है अगर ये कंजनेंट ही है तो ये वाई हटके आई एल वाई एड कर लेंगे हम ठीक है शर्त ये है कि वाई से पहले जो है एक कंजनेंट होना चाहिए तो ये आई एल वाई बन जाएगा अब यहां देखे वाई है वाई से पहले आर है आर एक कंजनेंट होता है इसलिए वाई हटा के आई एल वाई लगा दिया वाई से पहले यहाँ डी है डी एक कंज है हटा के वाई आई एल वाई लगा दिया ठीक है द क्वेश्चन पेपर इज इजी दे पेपर इजीली इस तरह से हम एक एडजेक्टिव को एडवर्ब बना लिया अब यहाँ देखें जो एडजेक्टिव्स हमारे एल ई e में एंड होते हैं तो हम उनमें से वो ई e हटाकर वाई एड कर देते हैं ठीक है देखो सिंपल सिंपली so, इस तरह से हमें एड करना होता है ई -E हटा के एल वाई नेक्स्ट वी हैव फॉर एग्जाम्पल जेंटल जेंटली ठीक है अब एक चीज और देखें कि अगर टू एडवर्ब्स हैं ठीक है एंड ये एंड से ज्वाइन होते हैं तो क्या हम इन्हें चेंज करेंगे या नहीं देखो टू एडवर्ब्स आर समटाइम्स ज्वाइंट टूगेदर बाय द कंजक्शन एंड फार नियर अगेन एंड अगेन ऑन

कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनसे एडजेक्टिव्स भी बनते हैं और एडवर्ब्स बन जाते हैं एलवाई लगा के ऐसे जब ऐसे होते हैं ना दोनों वर्ड्स के मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं देखो नियर का मतलब होता है क्लोज मतलब करीब नियरली जब हमने इसे एडवर्ब बना लिया तो नियरली मतलब पूरी तरह से थोड़ा सा पहले मतलब पूरा नहीं हो हुआ पूरा होने वाला है कुछ लेट नॉट इन आवर टाइम जब हम लेट हो जाते हैं लेटली मतलब रिसेंटली मतलब कि करीब ही ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था रिसेंटली सो so, कुछ एड्जेटिव ऐसे होते हैं ठीक है कि लगा के उनका मतलब बदल जाता है देखें वी वी आर स्टैंडिंग वेरी नियर हम बहुत करीब खड़े थे नियरली लॉस्ट द कॉन्शियसनेस ठीक है वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी वो नियरली बेहोश होने वाली थी सो so, मतलब इनका बदल जाता है

ठीक है हर जगह जहां पर वो यूज होता है उसका मीनिंग अलग हो जाता है देखें दे इमीडिएटली रीच द प्लेस वो फॉरन वहां पहुंच गए दे रीच द प्लेस इमीडिएटली वे उस जगह पे पहुंच गए फॉरन सो so, थोड़ा सा मतलब बदल जाता है एडवर्ब कैन कम इन थ्री पोजिशन तीन पोजिशन होती है एडवर्ब की फ्रंट पोजिशन मतलब कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिड पोजिशन सेंटेंस के बीच में वर्ब के पास एंड देन एंडिंग पोजिशन जो कि सेंटेंस के एंड में है

अब देखें यहां पर एक ऑक्सिलरी है आई है ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है सो so, अगर ऑक्सिलरी होता है किसी सेंटेंस में तो जो एडवर्ब होता है वो इस पहले ऑक्सिलरी के बाद लगता है जैसे कि आई हैव ऑफन टोल्ड हर टू बी अटेंटिव सो ऑक्सिलरी के बाद हमने एडवर्ब लगा लिया लेकिन अगर ये हैव ऑक्सिलरी नहीं होता तो हम एडवर्ब फौरन लगा देते आई ओकेजनली विजिट So, देखे ये होती है पोजिशन वेन देर इज स्ट्रेस ऑन द वर्ब टू बी और ऑन द द ऑक्सिलरी देन एडवर्ब कम्स बिफोर इट यू सर्टेनली डिजर्व दिस पोजिशन यू रियली मेक प्राउड मतलब के जब हमारा वर्ब जो होता है ठीक है हमें उसका मीनिंग दिखाना होता है अब यहाँ देखे जो हमारे वर्ब्स हैं डिजर्व एंड मेड हमने अपना एडवर्ब इनसे पहले लगाया है ठीक है सो हमने फिलहाल ये देखा है कि हम एडवर्ब बनाते कैसे है एंड उन्हें हम सेंटें किस जगह पे रखा जाता है अब एक चीज और हमें कंसिडर करनी है इफ देर इज एन ऑब्जेक्ट द एडवर्ब इजनरली प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट बट इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लॉन्ग वी यूजली पुट द एडवर्ब बिफोर द वर्ब मतलब के अगर हमारी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है ठीक है तो जो एडवर्ब होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल हीस्टरडे रिपोर्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ठीक है so, सो हमने अपना एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लगा दिया जो कि है यस्टरडे लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत लंबा है एट द एंटायर कलेक्शन ऑफ कॉइन्स तो हम अपना एडवर्ब स्टार्टिंग में लगा देते हैं वर्ब से पहले सो so, ये आपकी सेंटेंस पे डिपेंड करता है आप अपनी सेंटेंस पढ़ो अगर उसमें ऑब्जेक्ट छोटा सा है तो एडवर्ब उसके बाद आएगा और अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत लंबा है तो हम एडवर्ब को स्टार्टिंग में ले लेते हैं कोई एडवर्ब है ठीक है एंड वो हमें एक, एक और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो एडवर्ब स्टार्टिंग में आता है डू नॉट रन सो फास्ट फास्ट एक एडवर्ब है आप, तो हमने अपना एडवर्ब उससे पहले लगा दिया इट इज वेरी डेंजरस डेंजरस भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है तो हमने अपना एडवर्ब उससे पहले लगा लिया एडवर्ब्स ऑफ मैनर विच आंसर द क्वेश्चन हाउ आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब के जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं ना मतलब तरीका जिसमें क्वेश्चन आता है हाउ ये अक्सर कहा यूज किया जाते हैं ये वर्ब के बाद लगाए जाते हैं और अगर उस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के बाद देखो द बॉय इज टॉकिंग लाउडली टॉकिंग यहाँ पर वर्ब है तो हमने उसके बाद अपना एडवर्ब लगा लिया लेकिन यहाँ पर प्लेस जो वर्ब है उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है पियानो तो हमने अपना एडवर्ब पियानो के बाद लगा दिया ओके okay? सो so, हम एडवर्ब को लगाते हैं बिल्कुल वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं

इनसर्ट द एडवर्ब ग अब हमारे पास ये है, हमें इनकी पोजिशन लगानी क्या है इनकी करेक्ट पोजिशन फॉर एग्जाम्पल लेट फॉर ऑफिस आई एम हो गया उसके बाद लेट हमारा वर्ब है वर्ब से पहले हम अपना एडवर्ब लगाएंगे आई एम ऑफन लेट फॉर ऑफिस आई आस्ट फॉर ओनली अ ग्लास ऑफ वॉटर शी हेज

जैसे कि हमने नियर एंड नियरली देखा था कि नियर करीब होता है लेकिन नियरली होता है ऑलमोस्ट सो so, इस तरह से आप हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जो रूट वर्ब अलग होता है और एडवर्ब बनने के बाद वो अलग होता है शॉर्ट शॉर्टली शॉर्ट मतलब जैसे हाइट में कोई शॉर्ट होता है कम होती है हाइट लेकिन जब वो शॉर्टली बन जाता है तो मतलब जल्दी ही वाइड वाइडली जस्ट जस्टली राइट राइटली लो लोली इसी तरह से हमारे रूट वर्ब एंड एडवर्ब हैं जिनके मीनिंग बदल जाते हैं अब देखें एक एक्सरसाइज जे है इसमें हमें अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करके लगाना है फॉर एग्जाम्पल हर डॉटर हैज जस्ट ही इज देम आई हैड हार्ड लाइफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टॉक ठीक है इस तरह से एडवर्ब और एजेटिव अब ये सेंटेंसेस हैं थोड़े से और ये जो इनमें वर्ड्स हैं अर्ली अर्ली स्ट्रेट स्ट्रेट इनमें कौन सा एडवर्ब है एंड कौन सा एजेटिव है यह हमें डिस्क्राइब करना है ओके okay? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो की एजेटिव भी होते हैं एडवर्ब भी फॉर एग्जाम्पल डेली एजेटिव की तरह यूज करेंगे तो होगा दिस इज माई डेली वर्क ये मेरा डेली का काम है रोज का काम है एडवर्ब यहाँ पर यूज करेंगे दे गो डे देर डेली वो वहां रोज जाते हैं डेड दिस इज ए डेड प्लांट ये एक मरा हुआ पौधा है आई एम डेड श्योर ऑफ इट मुझे पक्का यकीन है उसका ठीक है सो so, अलग अलग ये जो वर्ड है ना एजेटिव की तरह अलग मीनिंग होती है एडवर्ब की तरह अलग मीनिंग होते हैं उसने तुम्हें एक आसान काम दिया एडवर्ब की तरह बी ईजी जैसे कि हम किसी को कह दें रिलैक्स करो गुस्सा ना करो सो so, इस तरह से ये हमारे कुछ शब्द हैं जिनके एडवर्ब एंड एजेटिव में सेंटेंसेज हमने बना के देखी है एक्सरसाइज के मेक सेंटें यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर नोटबुक अब ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर ठीक है आपको इनसे सेंटेंसेस बनानी है अपनी नोटबुक में ठीक है डू दिस एक्सरसाइज कंप्लीट ऑल योर वर्क एंड सबमिट इट टू शो मी थैंक यू